नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, अस्तर और कपड़े पर इसको हमने साइज के हिसाब से कट कर लिया है। लंबाई इसकी हमने 14.5 इंच ली है। तैयार लंबाई 13.5 इंच आएगी। शोल्डर 7 इंच और आर्म होल भी 7 इंच लिया है। और देखिए ये साइज आप 32 और 34 दोनों के लिए रख सकते हैं। तो देखिए गले की चौड़ाई हमने 4 इंच 2 पॉइंट ली है। ऊपर से देखिए 2.5 इंच पर निशान बनाया है और इस तरह से गले का शेप दे देना है। ऊपर वाला गला बनाने के बाद देखिए 1 इंच छोड़ेंगे और इस तरह से नीचे नीचे जो गला बनाएंगे उसका शेप दे देंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच पर ये नीचे जो इस तरह से बनाया है तो इससे 2 इंच लिया है, नीचे से 2 इंच छोड़ना है। उसके बाद देखिए दूसरी साइड भी इस निशान को बना देना है। तो इस तरह देखिए दूसरी साइड भी बना दिया है। अब देखिए ऊपर वाले गले को कट कर लेना है। कपड़े पर रख कर भी इसको कट कर लेंगे। और देखिए जो नीचे वाला गला है उसे कट अभी अभी कट नहीं करेंगे, उसको सिलाई लगाने के बाद कट करना है। अब देखिए इस पर सिलाई लगा देनी है। पहले देखिए अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए नीचे वाली साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसको कट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए ये कट हो जाएगा। तो दोनों साइड से थोड़ा सा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब पूरे गले पर देखिए कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद देखिए इसको इस तरह से पलट कर सीधा कर लेना है। तो देखिए अच्छे से पलटने के बाद पूरे गले पर एक सिलाई लगानी है।
तो इस तरह देखिए पूरे गले पर सिलाई लगा दी है। अब देखिए ऊपर वाले गले को बना लेना है। पहले अस्तर के साइज का कपड़े को कट कर लेना है। देखिए जो थोड़ा सा बड़ा आएगा अस्तर के बाहर जो कपड़ा आएगा उसको कट करके बराबर कर लेना है। अब देखिए ऊपर वाले गले को बनाने के लिए पट्टी निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिला कर रख के हम इससे पट्टी निकाल लेंगे। तो ये हमने अस्तर वाला कपड़ा लिया है पट्टी के लिए। अब देखिए इसको बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर या बुकरम का यूज नहीं किया है। गले पर हम लेस लगाएंगे तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस पर कट लगा दिया है। अब पलट कर एक सिलाई लगा देंगे गले पर। तो देखिए सिलाई लगा दी है, गला तैयार हो गया है। अब देखिए लेस लेंगे और पूरे गले पर पहले लेस को लगा लेना है। तो देखिए इसे नीचे वाली साइड से इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। एक साइड से इसको इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह देखिए लेस लगा दिया है। ऊपर वाले गले पर भी लगा लेना है। तो देखिए पूरे गले पर लेस लग गया है। अब डिजाइन के लिए इस तरह से कपड़ा लेंगे। देखिए इसकी लंबाई हमने 10 इंच ली है और चौड़ाई 5.5 इंच ली है। इस तरह से देखिए सिलाई पर लगानी है। अब इसे कट कर देंगे। उसके बाद देखिए इसको पलट कर सीधा कर लेना है। तो अच्छे से देखिए कपड़े को निकाल लेना है। इस पर आप प्रेस भी कर सकते हैं, अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लिया है। दोनों एक ही साइज के लेने हैं। अब देखिए गले वा जो गले का कट निकला है वही कपड़ा है, उसी को ले लेना है या फिर इस तरह से गोलाई में कट कर लेना है। तो हमारा ये कपड़ा उसी गले का जो निकला है वही इसी साइज का हमें लेना था। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये आ गया है, तो इसी को हमने ले लिया है। अब देखिए यहाँ से इस पर सिलाई लगानी है। गोलाई वाली साइड में सिलाई लगा देंगे और थोड़ा सा देखिए हमने यहाँ पर बचा लिया है, यहीं से इसको हम पलटेंगे। पलटने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। अब इसको इस तरह से अच्छे से पलट निकाल लेना है यहाँ पर कपड़े को। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से बना लेंगे, यानी कि पूरे कपड़े को जो दबा हुआ है अच्छे से निकाल लेना है। और जहाँ पर देखिए हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ी हुई थी उसे अंदर की तरफ इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है।
और इस तरह से फिर देखिए किनारे से बिल्कुल एक सिलाई लगानी है। और देखिए बंद वाली साइड में नहीं लगानी है, जिस साइड में पट्टी पर कपड़े पर सिलाई लगाई थी सिर्फ उसी साइड में सिलाई लगा देना है। अब देखिए इसको इस तरह से पकड़ कर बांध लेना है। तो देखिए यहाँ पर टाइट से धागे को अच्छे से धागे से बांध लेना है इसको। उसके बाद देखिए ये दो पट्टी लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से पकड़ कर इसको भी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए अच्छे से बना लेना है और अच्छे से बनाकर इस तरह पकड़ कर यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए ये डिजाइन बनके तैयार है। इसको गले पर हमें सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए धागे को पका करके कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पहले इस तरह से पकड़ कर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह सिलाई लगा कर इसको जोड़ लेना है पहले। उसके बाद देखिए ये डिजाइन लेंगे और यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए इसे अच्छे से लगा दिया है। तो अब ये डिजाइन बनके तैयार है। लास्ट में इसका प्लेट बना देना है। तो अगर डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।